नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल वर्ल्ड कप मैच के बाद अब सबकी नज़र भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच पर है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच होने वाला है। इसको लेकर टिकट की बिक्री भी जारी हो चुकी है, लेकिन यह मुकाबला जनरेटर से होने वाली रोशनी में होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल स्टेडियम पर करीब 3.25 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। भुगतान नहीं करने पर कंपनी ने 5 साल पहले ही कनेक्शन काट दिया था। PWD और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के आवेदन पर टेम्प्रोरी बिजली कनेक्शन दिया गया था। इससे स्टेडियम के रूम, ऑडियंस गैलरी और बॉक्स रोशन होते हैं, लेकिन फ्लड लाइट जलाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करना होता है। मैच के दौरान अव्यवस्था न हो, इसलिए दर्शकों की एंट्री के साथ जनरेटर शुरू होता है और उनकी एग्जिट तक चलता है। रायपुर ग्रामीण सर्किल के प्रभारी अशोक खंडेलवाल ने बताया कि सचिव क्रिकेट संघ ने स्टेडियम के टेम्प्रोरी कनेक्शन की लिमिट बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। अभी टेम्प्रोरी कनेक्शन की क्षमता 200 केवी है। इसे 1000 केवी का करने के लिए आवेदन दिया गया है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। सप्लाई में परेशानी ना हो, इसलिए अधिकारी कर्मचारियों ने मेंटेनेंस का काम भी पूरा कर लिया है। बिजली कंपनी के अधिकारी अस्थाई मीटर पर सप्लाई करने के लिए तैयार है। साल 2018 में खेल विभाग ने हाफ मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान जो खिलाड़ी रुके थे, उन्हें बिजली व्यवस्था सही ढंग से नहीं मिल पाई। इस बात पर विवाद हुआ तो मामला मीडिया तक पहुंच गया। पता चला कि 2009 से स्टेडियम का बिजली बिल जमा ही नहीं हुआ है। टेम्प्रोरी कनेक्शन आवेदन दे कर लिया गया है और हाफ मैराथन आयोजन का कार्यक्रम पूरा किया गया है। इस अस्थाई कनेक्शन को लेने के लिए आवेदन के साथ 2 लाख रुपए भी खेल संघ की ओर से जमा कराए गए थे। स्टेडियम का निर्माण करने के बाद उसका मेंटेनेंस PWD को हैंडओवर किया गया था, जबकि इसका बाकी खर्च खेल विभाग को उठाना था। इस मामले में पेच यहीं पर फंस रहा है। दोनों विभाग के जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी गर्दन बचा रहे हैं। खेल विभाग के अफसरों का कहना था कि बिजली बिल भी मेंटेनेंस के अंतर्गत आने वाली मद है। इस नियम के अनुसार बिल PWD को देना चाहिए। वहीं PWD के चीफ इंजीनियर ज्ञानेश्वर कश्यप का कहना है कि भुगतान खेल विभाग को करना है, क्योंकि गतिविधियां उनके माध्यम से आयोजित की जा रही है। रायपुर में पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि टिकट के दाम ज़्यादा होने से वैसा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा था जैसे पहले देखने को मिला था। इसके बाद छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने क्रिकेट प्रेमियों को राहत दी है। टिकट के दाम जो 3500 से शुरू हुए थे, उसे 2000 कर दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।